आज हम ढाबा स्टाइल कीमा बनाएंगे, वो भी तवे पर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस कीमा बनता है। तो आज मैं आपको इस सिंपल से इजी कीमा फ्राई की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक तवा लेंगे। पहला हुआ खुला तवा आप ले लें और इसके ऊपर 5 खाने के चम्मच तेल डालकर गरम करें। आप घी भी ले सकती हैं। अदरक और लहसुन हम डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच क्रश की हुई अदरक और लहसुन फ्रेशली। आप इसे कूट लें, कूट कर यूज़ करें या फिर आप इसे कद्दूकस कर लें। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम लेंगे और इसे अच्छी तरह से चॉप करेंगे बारीक। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए और प्याज जो है वो नरम होने शुरू हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और प्याज अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमा आप मटन का भी ले सकती हैं, बीफ का भी ले सकती हैं और चिकन का भी ले सकती हैं। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तकरीबन मैं यहाँ पे कीमा ले रही हूँ। मैं बीफ वाला कीमा ले रही हूँ। अब हम कीमे को भूनेंगे, 3-4 मिनट भूनेंगे मीडियम हीट पर। और अब हम इसे कवर करके 3-4 मिनट कुक करेंगे लो हीट पर, लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 4-5 मिनट इसी तरह हम इसे ढक्कन ढककर कुक करेंगे और इसके बाद हम इसे भूनेंगे। 1-2 मिनट भून लेने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये आप देख सकती हैं कीमे का पानी खुश्क हो गया है, कीमा भुन गया है। अब हम इसके ऊपर दही शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें थिक योगर्ट यानी कि जो दही होता है मीठा वाला वो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक आप हसबे जायका ऐड कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च या फिर लाल मिर्च पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, या फिर टेस्ट के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। ये साबुत धनिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया यानी कि कूट लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच भर के। और अब हम कीमे को फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट इसी तरह हम फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें अचार गोश्त मसाला शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला भी ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसमें अचार गोश्त मसाला शामिल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बिल्कुल ढाबे वाला आता है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें अचार गोश्त मसाला शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। और इसके बाद इस तरह बारीक स्लाइस में कटे हुए टमाटर हम इसके ऊपर डालेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के हम टमाटर लेंगे और इसे इस तरह करके गोल गोल कट करेंगे, बिल्कुल थिनली स्लाइस करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। और साथ ही हम हरी मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। 2 से 3 अदद हम इसके ऊपर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हम कीमे को भूनेंगे अच्छी तरह से और जो टमाटर है तो उन्हें भी हम मैश करते जाएंगे। इसी तरह अच्छी तरह से हम 4 से 5 मिनट कीमे को भूनेंगे। तो ये कीमे का जो ऑयल था वो अलग होना शुरू हो गया है और कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो तवा कीमा हमारा तैयार है। हम इसे गार्निश करेंगे अदरक, कटी हुई अदरक और साथ में हरा धनिया। थोड़ा सा हम गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे, तकरीबन 2 चुटकी यानी कि 1/4 टीस्पून या फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे। तो ये तवा कीमा हमारा तैयार है। सिंपल और इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। पराठों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।